और यहाँ बन रही है दाल कुकर में और यहाँ चावल भिगो रही हूँ मैं। दिशु को मैंने बोला कि मैं दाल बना लेती हूँ, तो बोला चावल बनाओ साथ में। मैं दाल और चावल ही खाने हैं, तो बस यहाँ चावल भिगोए हैं, 10 मिनट भिगो लेते हैं। तो फ्रेंड्स भिगो दिए हैं चावल, बस कुकर खोलेंगे, दाल में तड़का लगाएंगे। तो कट कर लेते हैं प्याज हम। नो भाई, वैसे इसमें क्या एक्टिविटी मैंने देखी नहीं, क्या बोला मैम ने उस बारे में? मतलब वो झंडा जैसा कुछ तो है। क्या झंडा? झंडा बनाना चाहे पता नहीं कुछ तो ऐसे। 15 अगस्त के ऊपर है क्या? नहीं पता नहीं, राष्ट्र 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 क्या था। माइक में ना तो चू आ थी, अभी क्लास में किसी बच्चे से फोन करके पूछूंगी ना, उन्हें पता होगा कि मैडम ने क्या बोला है। बस तुझे सुनाई नहीं दिया तो तू कुछ भी बोल देगा। हाँ सही जा रहा है बेटा तू तो। देखो करंट दो की सीट पर लिया तो मैं बेटा, जो मेरी बात सुनो, जो चीज नहीं सुनाई देती या नहीं समझ में आती तो सुना है मम्मी साहब आवाज सच्ची बात। अच्छा फ्रेंड वगैरह से डिस्कस क्यों नहीं करते कि मैम ने क्या बोला है? भाई सब तो सब तो सेकेंडरी भग जाते हैं। सब सेकेंडरी एकदम ही भग जाते हैं क्या? और नहीं तो सबसे पहले हमारी लाइन चलती है, मेरे को भाग के ना सबसे पहले 10th क्लास को बाहर फेंकते हैं क्या? बोलो। अरे नहीं, जैसे फिर जैसे मैम बैग उठाया है तो फिर किससे पूछूं, या फिर जो मैम ने व्हाट्सएप पे भेजा है उसमें से? तो तुझे बनाना सीखना है वो कल वहाँ पाया तो मैं सिखा देती हूँ ना ड्राइंग। बेटा वो ध्रुव आर्य पाठक और रवि ये तीन जो है ना ये गेम्स में होंगे। फर्स्ट टू एट पूरा गेम्स में होंगे यार। वो पेपर क्या है, पेपर में क्या है आपका हाफ डे नहीं है, फुल डे है। हाँ मतलब अच्छा। पेपर होगा, तीन पीरियड जीता हो, तीन पीरियड हमारे होते हैं 1 बजे से लेके 2:30 से 2:25 तक, तीन पीरियड होते हैं। चौथा पीरियड बचता है 2:25 से 2:55 तक। हाँ फिर रिसेस होती है। हाँ तो यानी कि हिंदी के पीरियड से हमारे वो चालू होगा, तो हिंदी के मास्टर से मुझे बैल पर जाना। अच्छा ऐसे है, मतलब फुल डे है। हाँ छुट्टी नहीं है वही के एग्जाम। मैं फिर पता है पहले के जाता फिर पर अच्छा। कोई बात नहीं, वो तो जब वैसे होंगे एग्जाम उसमें देखना। 9th वालों से भी 300 रुपये रजिस्ट्रेशन का कुछ। 9th वालों से तो देर से भी लिया होंगे जब तू 9th में होगा, ऑनलाइन लिए होंगे और वो फीस में जोड़े थे कल मैंने बताया था। अच्छा तभी बीच बीच में फीस ज़्यादा हो जा रही थी तेरी 9th में, अब की बार अब भरते हैं और तो दिया वो बस 1 घंटा गेम खेल लिया उसके बाद 1 घंटा पढ़ना है, बता दिया। मेरी फीस आपने भर दी? नहीं तेरी फीस अभी भरूंगी मैं भाई, आज आज का समय फिर एक्स्ट्रा फाइन लगेगा। हाँ मालूम है मुझको, मालूम है, भाई को आने दे, भाई से पूछती हूँ फिर भर देती हूँ। कोई बात नहीं भर देंगे भर देंगे, भाई आने वाला है फिर देखते हैं। हाँ बोल रहा था जल्दी आने के लिए, पर जल्दी में भी लेट कर दिया उसने। हाँ। तो अब सुन ले सिर्फ 1 घंटा मिलेगा, ठीक है अभी नोट कर लेना। हाँ देखो फ्रेंड्स अभी हो रहे हैं 8:15, इसको 9:15 बजे तक हमने लैपटॉप देना है, उसके बाद ये मैथ का एक्स्ट्रा एग्जाम है मंडे को और फिर ये पढ़ेगा। जब ये पढ़ेगा तब भी मैं आपको दिखाऊंगी कि हाँ अब ये पढ़ने बैठ गया है। चलिए अभी से हम खेलने देते हैं 1 घंटा, क्योंकि 7 बजे स्कूल से आता है थक जाता है थोड़ी देर में, लेटा रहता है। अच्छा ठीक है चलिए हम किचन में चलते हैं। कमेंट में कौन, बच्चे थोड़ी मेरा ब्लॉग देखते होंगे यार, जो आपके वो सब्सक्राइबर जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो थोड़ी ना खेलते होंगे ना। अच्छा ठीक है, क्या आप फिर से बोल दें अगर आप लोग खेलते हो जानते हो तो कमेंट। अच्छा तो फ्रेंड्स बता देना कि आपके बच्चे क्या ये खेलते हैं जो मेरा बेटा बोल रहा है, कमेंट करके बताना आप सब। तो चलिए हम लोग चलते हैं किचन में। कृष्णा है जो है
उसकी हर बाला कृष्णा है, कृष्णा है, दाल थोड़ी पतली बनाएंगे क्योंकि चावल बनेंगे ना साथ में, तो बोलेगा गाड़ी गाड़ी दाल नहीं अच्छी लगती उसमें। फ्रेंड्स हो गया है तड़का हमारा तैयार, और ये देखिए दाल हो गई हमारी तैयार। अभी ठंडी होएगी तो थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी और थोड़ी सी तरी होगी तो चावलों के साथ आराम से खाई जाएगी। और बस अब यहाँ पे जो है चावल चढ़ा लेते हैं। आटा मैंने गूंद लिया थोड़ा सा क्योंकि मेरे हस्बैंड चावल शायद खाएंगे, रोटी लेंगे वो, बेटा भी आने वाला होगा शायद वो चावल कम ले और वो भी रोटी ले ले, तो चढ़ा दिए चावल। और यहाँ पे बर्तन थे थोड़े से धो चुकी हूँ, थोड़े अब धो लूँगी, अभी ये हो गए। चलिए कर लेते हैं काम और अब आपसे मिलते हैं प्लेट लगा के। फ्रेंड्स ये है दाल चावल और ये है शक्कर चावल, मैं ऐसे शक्कर डाल के मैंने खा लिए हैं दाल चावल, मैं वीडियो बनाना ही भूल गई थी। और लास्ट में मैं थोड़े से मीठे चावल खा लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये शक्कर चावल है, ये दीपांशु के दाल चावल है जो उसने और मांगे थे, ये ना बेटा। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फ्रेंड्स।